Good morning and Jai Shri Ram and welcome back to my YouTube channel guys. So आज मैं तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ. अभी मैं भाई का वेट कर रही हूँ, वो नहीं आया है. वो आएगा तो हम दुकान जाएंगे, दुकान खोलेंगे. ये है मेरा डेली का रूटीन. तो गाइस मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ेगा. विदाउट जॉब मैं क्या करूँगी. तो मेरा पढ़ाई के लिए मैं 2-3 महीने में एक बार जाती हूँ, फिर मेरा एग्ज़ाम देती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, काम करती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है गाइस. तो अभी मैं जल्दी जल्दी, शायद भाई आ रहा है, वो पहुँच गया होगा शायद. तो अभी मैं जा रही हूँ गाइस, जा नहीं रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ उसका. वो आएगा तो तब मैं जाऊँगी. वो शायद मुझे बुलाना, इधर आएगा बुलाने के लिए. तो या गाइस, आज मैं कैसी दिख रही हूँ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है. तो गाइस हर कोई पूछ रहे हैं कि नेशा आप होम टूर कराओ, लेकिन मैं नहीं करा सकती क्योंकि ये मेरा घर नहीं है. जस्ट ये मैं अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इधर रह रही हूँ क्योंकि दुकान के वजह से. असली में मेरा घर जो है वो बैंकॉक में है. मैं रहती हूँ बैंकॉक में, मैं पैदा बैंकॉक में हुई हूँ, पली बड़ी भी मैं बैंकॉक में ही हुई हूँ. लेकिन इधर पे जस्ट मैं अभी काम के लिए मैं इधर पे आई हूँ फुकेट पर. तो गाइस जब मैं वापस बैंकॉक जाऊँगी तो मैं अपना खुद का घर दिखाऊँगी. घर गाइस, ये दूसरे का घर दिखा के मैं क्या करूँगी क्योंकि ये घर अच्छा है, ठीक ठाक है. पहले जब स्टार्टिंग पे मैं इधर आई थी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था कि मैं रीटा को बार बार बोल रही थी कि मुझे ऐसे घर पे नहीं रहना है क्योंकि आदत नहीं है ना. तो मैंने बोला कि रीटा मुझे ऐसे घर पे नहीं रहना है, तो प्लीज़ घर दूसरा वाला घर ढूंढ ले हम लोग के लिए. तो उसने बोला क्योंकि इधर पे रहने के लिए ईजी है एंड लड़की हम बस रीटा और मैं हैं, और दूसरे जगह पे सिर्फ दो लड़की रहना भी थोड़ा रिक्स होता है गाइस. तो हम बाहर दूसरे प्लेस पे नहीं रह पाए क्योंकि इधर पे नज़दीक पे जो हम लोगों का जान पहचान है वो भी रहते हैं, तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा. एंड इधर पे थोड़ा सेफ भी है, तो इसी वजह से हम इस घर पे रहे हैं. नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे तो इधर रहने का मन भी नहीं कर रहा था स्टार्टिंग पे. अभी तो रहते रहते इस घर से प्यार हो गया, तो अभी मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है. डेली उठना एंड बाहर का ये अच्छे से ऑक्सीजन लेना, रिलैक्स करना, ये जगह पे बहुत अच्छा है इस घर पे. क्योंकि इस एरिया पे सिर्फ दो घर है, हम लोग का और हम लोग का कज़न का घर है, तो बहुत अच्छा है. फालतू कोई भी नहीं है इधर पे, बस हम लोग हैं. तो एक्चुअली एक बात कहूँ तो इजी भी है इधर पे रहना, इतना बुराई भी नहीं है. क्योंकि स्टार्टिंग पे हर कोई को ऐसा फील होता है ना कि हाँ मैं किस जगह पे आई हूँ और मुझे मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी. तो हमेशा हर किसी का सवाल होता है ये सब. तो टाइम चले जाते जाते आदत बन गई, तो अच्छा लगता है मुझे ये घर. अभी मुझे इस जगह से चेंज नहीं करना है. और तो देखो बाहर पे इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छे से ऑक्सीजन ले सकते हैं. तो बाहर पे हम जाएंगे दूसरे प्लेस पे रूम, वो तो घर नहीं मिल सकता क्योंकि रूम ही मिल सकता है. रूम रेंट पे लेना, फिर उधर पे रहना, आजू बाजू पे कैसे पड़ोसी रहेंगे, फिर दिक्कत हो जाती है गाइस. इसलिए अभी इधर पे रहना, चेल करना, वाह अमेजिंग. और इधर का घर बहुत बड़ा है गाइस. मैं अगर कभी मुझे फुर्सत मिली तो मैं ये घर भी दिखाऊंगी, लेकिन ये मेरा घर नहीं है, जैसे हम रेंट पे रह रहे हैं. तो ये भी मैं दिखा दूंगी आप सबको देखना, ठीक है गाइस, कितना बड़ा है. और हम इधर पे कभी कभार पार्टीज भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे इस घर से बिल्कुल नहीं जाने का मन करता है यार गाइस. तो ऐसे अच्छे अच्छे नज़ारे मिलना, हरा परा, ऐसे प्लेस कहाँ मिलता है आजकल. आजकल तो हर कोई पूरा ये ग्रीन को पूरा ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे. तो इस प्लेस पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो अभी मुझे इधर रहना आदत सी बन गई. कोकोनट भी है, कभी कभार कोकोनट नीचे गिर जाते तो हम लेके खा लेते हैं. टू सा मंदिर, और इस प्लेस पे मैं मेरा रील्स बनाती हूँ कभी कभार.
गाइस भाई अभी तक नहीं आया तो रीटा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। वो अभी उठ के मुझे बोल रही थी कि भाई को फ़ोन कर ले, तो मैंने फ़ोन किया उसको, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए गाइस। मैं वेट करते करते 30 मिनट हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, मार डालेगी आज इसको। ओके गाइस अभी मैं दुकान खोलती हूँ जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया ये चुतिया के वजह से, तो अभी मैं जल्दी दुकान खोल रही हूँ गाइस, फिर मिलते हैं। दुकान खोल के कंप्लीट हो गया, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, तो मुझे आज पता नहीं अचानक इतने साल के बाद मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है यार। मैं कॉफ़ी नॉर्मली मैं कॉफ़ी कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन आज कॉफ़ी बहुत पीने का मन कर रहा है, वो भी ठंडी वाली, तो कोई लेके आके देने वाला नहीं है तो शायद नहीं पी पाऊँगी मैं तो। लेकिन मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, तो मैं जाके देखूँगी क्या मिलेगा, तो मैं वो खरीद के खाऊँगी। कल के अंदर बिल्कुल एक भी कस्टमर नहीं है, देखो पूरा खाली पड़ा है गली। मैं नाश्ता ख़रीद के खाने के लिए जा रही हूँ, बाय भिखारी लोग, मैं नाश्ता ख़रीद के खाने के लिए जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ मैं, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, पूरा खाली पड़ा है स्ट्रीट, तो बहुत ज़्यादा आलसी हो रही हूँ मैं। और गाइस पता है आज मैंने लंच भी नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं खाया। कितना आलसी हो रही हूँ मैं, कितना आलसी, देखो नींद आ रहा है। माय गॉड मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ गाइस। अभी मुझे कुछ खाने का वर्ड कर रहा है, तो मैं क्या खाऊँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊँ करके। नींद भी बहुत ज़्यादा तेज़ से आ रही है, मुझे बोर हो रहा है, मुझे बोर हो रहा है, मुझे बोर हो रहा है। इसमें मैंगो ढूंढने गई, सार मैंगो मुझे नहीं मिला, तो अभी मैं वापस दुकान जा रही हूँ यार। मुझे कितना सार मैंगो खाने का मन था, तो मिला ही नहीं मुझे। खिलाया लेता, ये कितना टाइनी है, देखो इसको कितना टाइनी है। बाय बाय गाइस, मैं अभी बर्गर किंग पे आई हूँ आइसक्रीम खरीदने, बोर हो रही थी ना मुझे, भूख लग रहा था इसलिए। गाइस अभी मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था इसलिए। तो मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं ये ऑर्डर कर रही हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया गाइस, अभी वेट कर रही हूँ, मैं लेके जा रही हूँ। इधर के कितने अच्छे सर्विसेस है, मैं अभी दुकान पे जाके खाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है गाइस, अभी मैं दुकान पे जाके खाऊंगी। ये रहा गाइस मैं पहुंच गई दुकान, अभी मैं बैठ के खाऊंगी, मेल्ट होने वाला है, देखो गाइस पूरा मेल्ट हो गया यार, अभी मैं खा रही हूँ गाइस, ये पूरा मेल्ट हो रहा है, मैं डर गई। मेरा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी वाला। मुझे
वो बर्गर किंग होगा नहीं, हर कोई बोल रहे थे ना कि मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड, मैंने सोचा था मैकडोनल्ड, लेकिन मैकडोनल्ड नहीं था गाइस, वो बर्गर किंग था। मैं जब मैं जा रही थी ना इधर से, मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, तो मैंने ढूंढा कि मैकडोनल्ड किधर है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने अच्छे से दी अच्छे से ध्यान लगा के देखा तो और मतलब बर्गर किंग था। मैं भी बेवकूफ हो गई थी। वो चल रही है, कस्टमर बोल रहा है 450, भैया बोल रहे हैं 500, अब इन दोनों के बीच मैच चल रहा है, हेड या टेल। मेरे भैया ने जीत लिया, ये इज द विनर, तो 500 फाइनल हो गया। थैंक यू। ओके बेचते आई तुम, मुझे लगा कि चलो मैं मैंगो खरीद लेती हूँ इनसे ताकि इनको थोड़ा पैसा मिल जाएगा। तो ये रहा अले खयाई, तो बच्चे हैं दो, लेकिन दो पैरालाइज बच्चे हैं तो उनके लिए ये सब काम कर रही है। हम तो कितने वो है ना लकी है। यार मुझे ऐसे और मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार इनके लिए। डिनर है, गाइज अभी मैं सोने वाली हूँ। एंड गाइज मैं ये व्लॉग को इधर पे एंड करती हूँ गाइज, एंड आज थोड़ा सी मैं सैड हूँ उस वो बेचारी अम्मा को देखे मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं लग रहा है। फिर भी कोई नहीं गाइज, अभी मैं सोती हूँ क्योंकि कल मुझे 8 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि कल बहुत जल्दी जाना पड़ेगा दुकान खोलने के लिए। तो बाय गाइज, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।